अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका इस चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आप जानते हैं कि हम सेट पढ़ रहे हैं और सेट का हमारा आज जो एक्सरसाइज 1.2 शुरू होंगी, हम इसमें इक्वल सेट और जो है तो एम्प्टी सेट और उसके बाद के जो दूसरी भी टाइप ऑफ सेट है वो पढ़ेंगे, नॉट इक्वल सेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम जो हमारी 1.2 आज शुरू करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे डिसाइड करना है, क्या करना है डिसाइड, मतलब आपको फैसला लेना है, क्या करना है फैसला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, इक्वल मतलब मसावी, एंड विच आर नॉट, और कौन मसावी नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल सेट मतलब देखिए जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट दो सेट के अंदर रहते हैं, जैसा कि देखिए आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पर एक एग्जांपल दिख रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये दो सेट इक्वल है जिसके अंदर एलिमेंट क्या रहते हैं, इक्वल रहते, एक जैसे रहते, उसे क्या कहते हैं, हम इक्वल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम इक्वल सेट। तो आपको डिसाइड करना है कौन से सेट इक्वल है, मतलब ये तीन सेट दिए हुए। अब देखो यहाँ पर ये जो है पहला ए जो है आपके पास, इसका फार्मूला समझना पड़ेगा आपको। अब फार्मूला क्या है यहाँ पे, अगर आप गौर करते हैं फार्मूले पे, तो 3x - 1 = 2, ये ए को हल कर रहे हैं हम। ओके, ये रूल मेथड से मतलब इबारती तरीके से इसको हल करेंगे, -2 इधर जाने के बाद -1, इधर जाने के बाद +1, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 3x = 3, मतलब हमारे पास क्या हो जाना है यहाँ पे, 3x की वैल्यू आ रही है 3, ये इक्वेशन बन रही है। ओके, अब इसको 3 को डिवाइड कर दो, x = कितना हो जाएगा 3/3, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर क्या था 1, मतलब आपके पास x = क्या हो रहा है 1, इसका मतलब एक्स ए के अंदर आपका एलिमेंट कौन है 1 है, मतलब ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट कौन है 1 है। ओके, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन नाम देते इसको स्टार करके, हमारे पास ए में क्या निकला सेट बच्चों, 1, क्या निकला 1। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, बी को लेते, बी में क्या दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी जो है एक सेट है, इसके अंदर एक्स किसको बता रहा है, नेचुरल नंबर को, तबई अदद को, और कैसा, नाइदर प्राइम मतलब जो मुफरत नहीं है, और नॉर कॉम्पोजिट, और कॉम्पोजिट भी नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट भी नहीं है, ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना, ऐसा तबई अदद, तो जाहिर सी बात है एक एक ही वो नंबर है, मतलब नंबर 1, मतलब नेचुरल नंबर में एक जो नंबर है वो मुफरत भी नहीं, मुरा नहीं है। ओके, अब यहां से आपको देखना है कि भाई कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर जो कॉम्पोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो 1 है, क्या है 1, इसका मतलब बी में भी क्या आ रहा हमारे पास 1 ही आ रहा, क्या आ रहा 1। ओके, सी सेट में आ जाइए आप, सी सेट में देखेंगे आप एक्स बिलोंग टू एन, एक्स किस में आ रहा है एन में, और एक्स की जो वैल्यू है एन में बिलोंग करिए, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, मतलब तबई अदद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग नंबर्स, लेकिन ये क्या हो रहा है 2 से छोटा, कैसे 2 से छोटा, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, जाहिर सी बात है ना, नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते, 1 से, और कहाँ एन होते, इनफाइनाइट पे पता नहीं है, इसलिए 2 से छोटा कौन होगा 1। ओके, तो इसमें भी क्या आ रहा, 1 आ रहा, अब गौर करेंगे इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसका मतलब ए सेट बराबर है बी सेट बराबर है सी सेट, ये इक्वल सेट हो गए, क्यों इक्वल, मसावी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, रुकन है, जो इसके अंदर रहते वो कैसे, एक जैसे, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ए बी सी आर इक्वल सेट, क्योंकि इसमें भी क्या आया 1 आया, इसमें भी क्या आया 1 आया, इसमें भी क्या आया 1 आया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट देखिए स्टूडेंट, हमारा न्यू सवाल जो है, न्यू क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्या बता रहा, डिसाइड, आपको फिर से डिसाइड करना है, क्या करना है डिसाइड, वेदर सेट ए, मतलब एक सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है क्या, क्या है इक्वल है क्या, बराबर है क्या, है तो आपका आंसर बताइए, और नहीं है तो मत बताइए, ऐसा है। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या दे रहा है, ए इज ए इवन प्राइम नंबर, आपको पता है इवन प्राइम नंबर बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना और प्राइम भी होना, तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो मुफरत भी है और जुफ्त भी है, मुफरत भी है और जुफ्त भी है, मतलब प्राइम भी है और इवन भी है, क्या है, प्राइम भी है और इवन भी है, तो प्राइम और इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ 2 है, क्या है 2। ओके, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ओके, तो आपका इसका मतलब ए सेट में क्या आ रहा, ए आ रहा, क्या आ रहा, ए। ओके, अब देखिए बी सेट जो आप बताएंगे यहाँ पे, तो बी सेट के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक्स एक एलिमेंट है और एक्स की वैल्यू मालूम करना पड़ेगा पहले हमारे को क्या आती। ओके, तो अब यहाँ लिखते हैं हम 7x, इक्वेशन क्या बन रही है, 7x - 1 = 13, देखिए -1 -1 इधर जाके मुस्बत 1 हो जाता, तो
तो 7x बराबर है 13 प्लस 1, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 14। अब ये जरा है इसकी, तो x बराबर है इधर जाके डिवाइड में चल जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x कितना मिलगा 2। तो इसका मतलब b में भी क्या आ रहा बच्चों हमारे पास, 2 ही आ रहा। अब गौर करेंगे आप कि a में भी आपके पास क्या है 2 और b में भी क्या है आपके पास 2, इसका मतलब a और b बराबर है। आपका रीजन क्या लिखेंगे आप, आपका रीजन जो आएगा कि रीजन ये रहेगा आपका कि भाई a एंड b कंटेन सेम एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट जो है रुकने एक जैसे हो, 2 है, ओके, इसलिए दोनों क्या हो गए इक्वल सेट हो गए, क्या हो गए इक्वल सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, यहाँ बता रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा सेट फॉलोइंग, मतलब नीचे दिया गया सेट, एम्प्टी का मतलब होता खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं, सिंगल कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहता, जो खाली रहता पूरा, क्या रहता खाली रहता, उसे क्या कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहता वो सेट क्या कहलाता खाली सेट, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा, यहाँ दे रहा ए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए के अंदर नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होते। अब जीरो से तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता, 1 से। अब ये क्या बोल रहा, नेचुरल नंबर तो होना एक ही कीमत, लेकिन स्मॉलर देन जीरो, जीरो से छोटे, जीरो से छोटे कौन है माइनस नंबर है, जो कि नेचुरल नहीं है, ओके। अब वो क्या है इंटीजर, हमने एक वीडियो में बताया भी आपको, ओके, आप उसे जाकर देख सकते, हमारा जो है नंबर सिस्टम का वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते कि भाई इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, पूरा मैंने बताया डिटेल उर्दू इंग्लिश दोनों में, ओके। तो अब यहाँ पे ये हो गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी हो गया, क्या हो गया एम्प्टी, ओके। बी देखिए, बी क्या दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या आएगा जीरो, प्लस स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट, और जीरो का स्क्वायर रूट भी क्या आता जीरो आता, ओके। इसका मतलब b के अंदर क्या है जीरो है, क्या है जीरो, एक है ना जीरो भी है, जीरो है, इसका मतलब नंबर एलिमेंट कौन है जीरो है, मतलब एक एलिमेंट है जिसका नाम जीरो है, इसका मतलब एम्प्टी नहीं हुआ, एम्प्टी हुआ क्या ये नहीं हुआ, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसमें आ गया ये नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी, ये क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया, क्या हो गया ये एम्प्टी सेट हो गया। अब देखिए सी के अंदर, किसके अंदर सी में क्या दिया, 5x-2 = 0, और क्या बोल रहा है एक्स की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर को बिलोंग करती, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आती है, ओके, एक्स की वैल्यू। तो आप सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू आती क्या, -2 = 0, माइनस उधर जाके प्लस, अब माइनस उधर जाकर प्लस हुआ बच्चों तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 5x-2 = 0, दो बार लिख दिया मैंने इसको, एक ही बार करना आपने, माइनस उधर जाके प्लस 5x = 2, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, x की वैल्यू 2/5 आ रही, और x जो है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते, पर इसका मतलब कंडीशन गलत है, x की वैल्यू 2/5 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा एम्प्टी सेट हो गए, क्योंकि इसने हमको बोला नेचुरल नंबर में आ रही, और ये नेचुरल नहीं है रैशनल नंबर हो गया, कौन सा होगा रैशनल नंबर हो गया, ओके। इसका मतलब सी के अंदर कुछ भी नहीं है, सी क्या हो गया एम्प्टी, सी क्या हो गया एम्प्टी, बी क्या हो गया इसके अंदर एक एलिमेंट एम्प्टी नहीं हुआ, और ए क्या हो गया एम्प्टी हो गया, इसका मतलब ए और सी क्या है एम्प्टी और बी एम्प्टी नहीं है। आपके समझ में आया कैसा है, 2/5 रैशनल नंबर है, हमको बोल रहा है कि नेचुरल नंबर में आती, ये ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एम्प्टी है, जो एक्स की जो वैल्यू बोल रहा हो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई अगर वो रैशनल बोलता तो फिर एक एलिमेंट आता 2/5, लेकिन वो नेचुरल का जिक्र किया इसलिए नेचुरल नहीं है। आई होप आपके इसके कंसेप्ट समझ में आऊँगा, ओके, राइट डाउन। देखिए बच्चों हमारा चौथा सवाल क्या है, राइट विथ रीजन, रीजन के साथ आपको लिखना है, किसके साथ रीजन, वजह के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए हुए सेट, सेट मतलब सेट, फाइनाइट मतलब महदूद, और इनफाइनाइट मतलब लामहदूद। देखिए फाइनाइट मतलब महदूद, इनफाइनाइट मतलब लामहदूद, महदूद मतलब जिसको हम गिन सकते, फाइनाइट मतलब गिन सकते, जैसा हम बोल सकते कि भाई इंसान की जो जिंदगी दुनिया के अंदर ये कैसी है महदूद है, और जब यहाँ से चलकर जब दुनिया से हम चल जाएंगे दूसरे दुनिया में ऊपर, तो वो कैसी लामहदूद जिंदगी, कैसी है लामहदूद, मतलब इनफाइनाइट है, आई बस समझ में, जिसको हम गिन नहीं सकते, गिनने वालों को फाइनाइट और नहीं गिनने वालों को इनफाइनाइट, अंडरस्टैंड, ओके। तो हमारी इनफाइनाइट जिंदगी आखिरत है
और ये जो है तो दुनिया जो है तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट ऊपर है, फाइनाइट नीचे। अब ये क्या बता रहा, देखिए ए के अंदर एक सेट है जो 10 से छोटे कौन से नंबर बोल रहा, नेचुरल नंबर, ये छोटे होते हैं, इसका मतलब जो है तो छोटा, एक्स की कीमत 10 से छोटा, तो 10 से छोटे कौन है, 10 से छोटे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये गिन सकते, क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते, खत्म हो जा रहे हैं ना ये 10 से छोटे, इधर से भी ले सकते हैं हम, कोई मसला नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर से भी ले सकते, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसा भी ले सकते, 1, 2, 3, 4 ऐसा कहाँ तक, 9 तक, 10 से छोटे 9 तक गिन सक रहे हैं ना, 9 तक है मतलब ये फाइनाइट है, क्या ये फाइनाइट, मतलब हम इसको गिन सकते, जिसको गिन सकते वो महदूद, जिसको गिन नहीं सकते वो लामहदूद। अब ये क्या बता रहा, वाई की कीमत -1 से छोटे इंटीजर, अब -1 से छोटे तो बहुत है, आपने नंबर लाइन पढ़े, मैंने आपको बोला कि भाई वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट के क्लियर हो जाएगा, नंबर सिस्टम के तालुक से एक वीडियो है वो देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर जाके कि नंबर सिस्टम क्या है। तो अब इंटीजर क्या है, -1 से छोटे कौन है, -2, -3, -4 ऐसा चलते जाएंगे, -100, -200 ये कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म होता कि नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्या हो गया ये इनफाइनाइट, जो गिन नहीं सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं सकते वो फाइनाइट, ओके, इसका मतलब ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट। अब ये क्या बता रहा, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, आपके स्कूल में, अब देखिए आपके स्कूल का पिक्चर देख लीजिए, अब क्लास का पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं आप, आपकी क्लास के आपको मतलब 65, 70, 35, 40, 50 जो भी है, तो 9 क्लास के स्टूडेंट काउंट कर सकते, 9 क्लास के तालिबे इल्म को हम गिन सकते, उनका शुमार कर सकते, जिन चीज़ों का हम शुमार कर सकते वो महदूद, और जिसका शुमार नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते वो लामहदूद। इसका मतलब आप स्कूल के बच्चे 9 क्लास के गिन सकते, तो ये फाइनाइट हो गया, क्या हो गया, फाइनाइट, महदूद हो गया, ओके, ये हो गया फाइनाइट। अब ये सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज, देखिए आपका गाँव दिख रहा आपको स्क्रीन पर, आपका गाँव, अब आपके गांव के लोग गिन सकते हैं आप, आपको अगर टाइम है, टाइम पास करना है तो गांव के लोग गिन लो, ओके, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, गिन सकते तो, ओके। अब ये क्या बता रहा, सेट ऑफ अपरेटस इन योर लेबोरेटरी, आपके यहाँ जो लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी के अंदर, देखिए लेबोरेटरी दिखाई दे रही है आपको स्कूल की, अभी लेबोरेटरी में देखिए अलग अलग अपरेटस दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको गिन सकते, इसका मतलब ये महदूद है, ये फाइनाइट है, ओके, जिसको गिन सकते हो फाइनाइट, जिसको गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट, ओके, अभी तक हमारा सिर्फ ये इनफाइनाइट निकला याला, ओके, बाकी सब फाइनाइट निकल रहे, सब क्या निकल रहे, फाइनाइट। अब लास्ट आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर, देखिए ये नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही, अब इसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स है, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे नंबर्स, इनके बीच में जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो है तो नातिक अदद जो है तो इनफाइनाइट है, ओके, रैशनल नंबर इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते, इसका मतलब ये इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट हुआ आखिरी वाला अपना, और इसके बाद ये इनफाइनाइट हुआ हमारा, ओके, इस तरह से महदूद और लामहदूद हमने पहचाने, आई होप आपके पूरा समझ में आ गया होंगे आपके, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीन शॉट, ओके बच्चों ये वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज एंड हुई 1.2, इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, आई मीन ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ही होगा कि आपको हमारे वीडियोस ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।